छोड़ दे। और तू जिस राम के सामने पड़ा है, अपने जिससे क्या हो पंगा ले लिया है, वो कोई नर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल भुकर का। हे रावण, स्वयंभू राम साक्षात परापर ब्रह्म है, कोई नर भूपाल कोई राजा नहीं है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। विभीषण राम का परिचय भाई को देते, भाई ये ब्रह्म है, अनामय है, अजीत है, अज है, पुण्य का खजाना है और साक्षात भगवंता। भगवान बोल दिया मगर शायद बुद्धि का दरवाजा नहीं खुला उसका। व्यापक है तो ऐसा मानता है कि राम अभी आएंगे, राम जहां चाहे प्रकट हो सकते हैं। सिया राम तो व्यापक है, सिया राम भाई सब जगह चाहे, पूरे संसार में प्रभु राम व्यापक है, अजीत है। रावण राम को कोई जीत नहीं सकता। और तूने कौन सा युद्ध छेड़ रखा है राम के सामने? जगह प्रसिद्ध वार्ता है कि राम अजीत है, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाणम शांति प्रदम। उसको कोई उकल नहीं सकता, वो ऐसा प्रमेय है जिसका कोई तोड़ नहीं है, कोई कोयला नहीं है, कोई फसल नहीं है, अप्रमेय है। राम को कोई जान नहीं सकता, अनादि आदि अंत जासू काऊ नहीं पा। ऐसे राम के विरुद्ध में तूने ये जंग छेड़ रखी, मगर ये तो प्रभु ने लीला की है। संसार में आए हैं गाय की, ब्राह्मण की और देवता की रक्षा के लिए। प्रभु राम ने मनुष्य का अवतार लिया। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मनुष्य तनुधारी। ये तो मनुष्य इसलिए बने हैं कि गाय की सेवा कर सके, ब्राह्मण की सेवा कर सके और देवता के कष्ट का निवारण कर सके। जन रंजन भंजन कलकाता, वेद धर संरक्षक सोम राता। भक्तों के रंजन के लिए, खल को मारने के लिए, खल को भंजन के लिए और वेद और धर्म की रक्षा के लिए हे प्राता हे प्रभु पधारे हैं। और ऐसे भगवान के साथ हे बड़े भाई प्रेम किया जाता, उसके साथ वैर नहीं किया जाता। ताही बैरू तजना ये माथा, प्रणता रति पंजन रघुनाथ। रघुवीर के शरण में जाते प्रणत आरती, उनके आरत उनके कष्ट का प्रभु विसर्जन करते हैं। देवनाथ प्रभु कहो वैदेही, हे नाथ एक का प्रभु, आपने कितनी भी गलती क्यों न की, सिर्फ वैदेही को वापस कर दो। बड़े भाई देवनाथ प्रभु कहो वैदेही, और भजहु राम बिनु हेतु सने। सिर्फ वैदेही अम्बा को भगवती को दे दो और सस्ने प्रभु राम का स्मरण करो, क्योंकि राम का स्वभाव और प्रभु का स्वभाव सिर्फ भगत को पता होता है, विद्वान को पता नहीं होता है। ज्ञानी को भगवान का स्वभाव पता नहीं होता है, ज्ञानी को ज्ञान होता है कि भगवान कैसा है, ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, ऐसा स्वरूप है, मगर भगवान का स्वभाव भगत जानते हैं। ज्ञान जानने की चीज है वो अनुभूति, भक्ति अनुभूति की चीज है। यहां विभीषण महाराज कहते हैं कि शरण गए
प्रभुता मुन त्याग, एक बार चरण पे चला जा, वो तेरा त्याग कभी नहीं करे। विश्वद्रोह कृत अगजे हिला, तूने पूरे विश्व का द्रोह किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मगर एक बार शरण में चला जा। जा सुनना, तुझे ऐसा लगता है कि शरण में जाने से मेरा ईगो हर्ट होता है तो या मैं बैठे बैठे नाम का आश्रय कर ले। अद्भुत बोले है विष्णु मां, हर बार हम हिमालय नहीं जा सकते, कथा में नहीं जा सकते, हर बार राम के पीछे कहां पड़ेगी, हर बार मंदिर नहीं हो सकता है, हर बार संत नहीं हो सकता है, हर बार सदगुरु नहीं हो सकता है। तो यहां विभीषण ने कहा कि तू राम के पास न जाके तेरा अहंकार तुझे धनता है, तो तेरी व्यवस्था सगवरता अगवरता तुझे रोकती है तो तू उसके नाम का आश्रय कर ले। जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझ जी रावन। तो तू उसका नाम सुमिरन शुरू कर दे, वो तेरे सामने तू जिस रूप में देखना चाहेगा उस रूप में तुझे दिखाई देगी, और प्रभु की मूर्ति हमको हम जैसी कल्पना करते हैं वैसी दिखती है। प्रभु रघुत वेद दोनों आप जैसा सोचते हैं वैसा दिखते हैं, होता नहीं है, मगर आपको पता है कि कुत्ता जैसा भूत है, तो आपको वहां पे जाएंगे तो कुत्ता जैसा भूत ही दिखेगा कि तू आपके मन में, और भगवान आपके मन में जैसे होते हैं वैसा स्वरूप आपको बार बार बदला करो विनय करो दशिष, बार बार पैर छूता है विनय के साथ कहते हैं कि बड़े भाई प्लीज 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 परिहरिमान मोह मत, मोह और मत, मान मोह और मत। पहले क्या पता है चार रास्ता, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन, ये नरक के रास्ते से निकलो अभी छोड़ो, मान छोड़ो, ये मैं करता फिरता ये मान छोड़ दे। मोह, काफी लोग मोहित होते हैं दिखावे बात अडंबर बात, उनके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं, सगवरता नहीं तो लोन लेके लेता है क्योंकि वो हमारा वट पड़ना चाहिए, पछि वट तो पाड़ी दे फिर वो इंस्टॉलमेंट नहीं भरा जाता है तो बैंक वाले फरफरिया भेजते हैं और चलो बैंक रफ हो जाते। हमारे एक हास्यकार बहुत बढ़िया कहते थे मुझे कि हमने टूर की यात्रा की, यात्रा नहीं टूर, घूमने फिरने घर से टैक्सी हमको पिक करती है देहांत में, सीधे एयरपोर्ट ले जाती है, एयरपोर्ट से सीधा राजकोट एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा कश्मीर जम्मू, जम्मू बड़ी लिमो लेते हैं आती है बड़ी लंबी कार, सलाम मारती है रेड कार्पेट से, फिर उसको बड़ा सा एक झील के अंदर बोट हाउस दिया, उसके अंदर पांच लोग थे और दस तो नौकर थे, जी जी हो जी, और 8 से 15 दिन तक जो भी खाना खिलाया सिर्फ घंटी बजाते तो 4-5 लोग आ जाते, 15 दिन के बाद लिमो में वहाँ एयरपोर्ट पे छोड़ गए, एयरपोर्ट से दिल्ली, दिल्ली से राजकोट, राजकोट से बड़ी गाड़ी करके छोड़ने आई, बड़े सब फोटो वोटो सब बना के दिए और लगा के रखे। 9 वर्ष के बाद कोई वहां गया तो होटल बहुत बढ़िया है तो बहुत बड़ा मजा आया था, तो अब क्या कर रहे हो, तो अब उसके हफ्ते भर रहे हैं 9 वर्ष के बाद, उस मजा का हफ्ता अभी चल रहा था। तो हमारा कवि कहता है कि मजा वो बधी हती राते राते अने संता को बता एना सवारे सवारे, ऐसा मजा भी नहीं करना चाहिए कि हर रोज उसका भुगतान करना पड़े।
मान छोड़ दे, मोह छोड़ दे और मद छोड़ दे और बजहु घोषणा दिश। तू तो पुलस्त का, हम तो पुलस्त के वंशज है। ये अवसर है और अवसर बार बार नहीं आता है। तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाईसो अवसर था, मगर उस समय माल्यवंत जी आए नाना जी। तो माल्यवंत अति सचिव सयाना, सयाना यानी कि शांतपन वाला वॉइस, गुजराती में कहते दाहियो मानस समझो आदमी। तासु वचन सुनी अति सुख मान। ये छोटा भाई कह रहा है, उस सुनकर उसको आनंद हुआ कि कोई तो उसको कहने वाला है। तात अनुज तव नीति विभूषण, हे रावण हे पुत्र तेरा भाई कहता है वो नीति के युक्त है। सो उर धरहु जो कहत विभीषण, उसको उर में यानी कि अंदर में लेना, उसकी बात को निग्लेक्ट मत करना, नकार मत देना, उसकी बात पे गौर करना, उसकी बात पे ध्यान देना, उसकी शिखावन को मानना। रिप उत्कर्ष कहत सर दो दूर न करहु यहाँ को। जैसे रावण ने करनी नजर से उनको देखा, माल्यवंत जी बांध, क्योंकि खड़ के साथ पंगा कौन ले। माल्यवंत जी चले गए, विभूषण जी हाथ जोड़ के खड़े रहे कि भाई आप मेरे भाई, हम एक मां के संतान हैं। और रही बात कुमति की, मुझे भी ऐसा विचार आता है कि मैं पैसा लूट लूट के आऊं, मैं ये सब लेके आऊं, मुझे भी संपत्तिवान बनने का ये सब अरिष्ट का शौक होता है, मगर ये सब कुमति है। और भाई हमारे अंदर सुमति और कुमति दोनों है। सुंदरगांड की अति तुच्छ पर सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस करी। हमारे अंदर अच्छा चीज भी है और खराब चीज भी है, सुमति भी है और कुमति है। ये पुराण निगम शास्त्र समाज सब सब कुछ कहते, सब लोग कहते, मगर हमारे अंदर सुमति प्रकट हुई या कुमति प्रकट हुई पता कैसे चलेगा, उसका मेजरमेंट क्या है कि हमारे घर में सुमति आई। दूसरा अंतरा बहुत अद्भुत, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। सुमति आती है तो संपत्ति आती है, और जहां कुमति वहां विपत्ति निदान। कुमति से भी संपत्ति आती है, मगर वो संपत्ति विपत्ति का कारण बनती है। तब वो कुमति बसी विपरीता, और आज जो तू बात कर रहा है वो कुमति वाली है। हित अनहित मानमो रिपु पीता, तू भूल गया है। हित क्या है और अनहित क्या है। काल राती निश्चर कुल केरी, तेही सीता पर प्रीति मेरी। रावण इस लंका के ऊपर मुझे लगता है सीतारूपी रात्रि काल रात्रि बनकर आ गई है। मुझे लगता है कि पूरे लंका का क्षय कर देगी, खा जाएगी। तार चरण गई माँ को राख हूं मोर खुदा, राम के चरण जा माफी मांग ले। सीता देहू राम कहो अहित न हो तुम्हारा, सीता को दे दे राम जी तेरा कल्याण कर देंगे। बुद्ध पुराण सुनि सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बकानी, सुरत दशानंद उधार हाई, खल्प हुई निकट मृत्यु वाली। भूत पुराण यानी कि मीठी मीठी बात, पुराण की बात, श्रुति सम्मत यानी कि वेद सम्मत,
अच्छी बात को सुनकर, नीतियुक्त बात सुनकर रावण खड़ा हो गया, उठा रिसाई, उसको क्रोध आया। रिसाई जो है, कोई खराब करता है आप वहां जाके उसको शिखामंड दोगे तो उसको गर्व लगेगा, खड़ा भी चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर रावण तत्व मौजूद है। रावण को आप शिखा बंधो मंजूर, इसके कल्याण की शिखा मन उसको मंजूर नहीं होती। और बोला, खल को ही मृत्यु निकट अब आई। हे विभीषण, क्या तुझे मरना है क्या? या तो तेरी मृत्यु नजदीक आई है इसलिए ऐसा मुझे तू सिखा रहा है, और तू किसके टुकड़ों पर पल रहा है? जियसी सदा सत मोर जिया। कई लोग ऐसे बांटते कि मैं उसको खिलाता हूं, मैं उसका पोषण करता हूं, मगर पहले दिन भी हमने बात की थी,